प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को पश्चिम बंगाल में अम्फान तूफान से प्रभावित इलाकों का दौरा किया। उनके साथ मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी थीं। इसके बाद प्रधानमंत्री ने राज्य को 1,000 करोड़ रुपए मदद देने का ऐलान किया। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि तूफान से नुकसान कम से कम हो, इसके लिए राज्य और केंद्र सरकार ने कोशिशें की हैं। इसके बावजूद 80 लोगों का जीवन नहीं बचा पाए, इसका हमें दुख है। इस संकट की घड़ी में जिन्होंने अपनों को खोया, हम उनके साथ हैं। एग्रीकल्चर, पावर सेक्टर और व्यापार का भी नुकसान हुआ, लोगों के घर उजड़े हैं। हमारा काम अब उनकी मदद करना है, सरकारें इसके लिए हर संभव मदद करेंगी। इस संकट की घड़ी में राज्य सरकार को कठिनाई न हो, इसके लिए एक एडवांस असिस्टेंस के रूप में 1,000 करोड़ रुपया भारत सरकार की तरफ से व्यवस्था की जाएगी। साथ साथ जिन परिवारों ने अपने स्वजन खोए हैं, उन परिवारों को प्रधानमंत्री राहत कोष से 2,00,000 रुपया और जिन लोगों को इंजरी हुई है उनको 50,000 रुपये तक की सहायता देने का भी हम प्रधानमंत्री राहत कोष से करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, EMS TV, भोपाल।